सकती जिले के मालखरौदा में नव मतदाता युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी सिनेमा के कलाकार अनुज शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी में 2200 रुपये देती है, जबकि कांग्रेस मात्र 600 रुपये देती है और उसका गुणगान करती रहती है। भाजपा नेता ने राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं पर उन्हें घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ विश्वासघात किया है। आज चंद्रपुर में नौ मतदाता सम्मेलन के माध्यम से पूरे चंद्रपुर विधानसभा की जनता और जिस प्रकार से नौ मतदाता उम्र के आए हैं, वो दिख रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की आवाज बुलंद हो चुकी है। जहाँ किसान को ठगने का काम किया हो, जहाँ गाय के गोबर में ठगने का काम किया हो, जहाँ गंगा जल का अपमान किया हो, उस धरती इस राज्य के मुख्यमंत्री को माफ नहीं करेगी। भूपेश की ठगे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और पूरी तरह से जनता ने मन बना लिया है, तो अब ये सत्ता में रहने वाले नहीं, जनता इनको सत्ता से बेदखल करेगी। भाजपा नेता नितिन नबीन ने यह भी कहा है कि चंद्रपुर विधानसभा के नव मतदाता सम्मेलन में उमड़ी युवाओं की भीड़ से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की आवाज़ बुलंद हो चुकी है।